अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लेफ़्ट ओवर मटेरियल से बहुत अच्छी सी बिरयानी तैयार कर रहे हैं। लेफ़्ट ओवर मेरे पास है देग का सालन। अक्सर घर में कोई इवेंट वगैरह होता है तो देग का सालन बच जाता है जिसको बार बार खाने को दिल नहीं करता। आज हम इससे कोई वेरिएशन लेके आएंगे, इससे मैं बिरयानी तैयार करूँगी। बहुत कम इन्ग्रीडियंट से बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने रखा है गर्म होने के लिए और उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये मैंने कट करके डाल दी। अब मैं इसको ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। चावलों के लिए जितना सॉल्ट चाहिए होता है उतना मैं इसमें डाल दूँगी। सालन में ऑलरेडी सॉल्ट, पेपर, हर तरह का मसाला पहले से ही मौजूद है। अब इसे 1 मिनट मज़ीद ब्राउन करूँगी मैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर मैं ये कोरमा ऐड करूँगी। इसे 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसमें हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी कुक है। अनियन जो हमने डाला था उसको ऑलरेडी ब्राउन कर लिया। अब ये सारा मटेरियल तैयार है, जस्ट इसे 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करना है। ग्रेवी हमारी पक चुकी है 2 मिनट, ये देखिए अच्छी सी इसकी शक्ल भी हो गई है। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी। ये 1 kg राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हल्के हल्के हाथ से करना है, अदरवाइज चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। राइस हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर इसे डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर दूँगी। मेरे पास ये 2 कप राइस के थे, अब मैं 4 कप इसमें पानी के ऐड करूँगी। बासमती राइस में आमतौर पर डबल क्वांटिटी में पानी ऐड किया जाता है, मैंने भी डबल पानी ऐड कर दिया है। अब चेक करते हैं, वाह देखिए कलर कितना माशाल्लाह से खूबसूरत आया है और पानी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है। अब इस स्टेज पर हम दम लगाएंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। अब मैंने दम लगा दिया है, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारी टेस्टी बिरयानी रेडी हो जाएगी। दीजिए हमारी झटपट बिरयानी तैयार है, ये देखिए। वाओ कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी बिरयानी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने खानों में वेरिएशन लेके आएँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।